लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए लड़की, हाँ? पहली बार आई है क्या जेल में किसी को मिलने? हाँ? बैठ, आजा बैठ जा। हाँ? बैठ। कौन बंदर है? दरअसल इतना क्या झिझक रही है? नाम बोल नाम। अजय। अजय इस जेल में ना अजय नाम के हजारों है, तेरा अजय कौन सा है? बाप का नाम बोल। हाँ, शंकर है उनका नाम। ओ शंकर, अजय शंकर। रुक तू, मैं अभी आई। ये ले तेरा टोकन नंबर। पिछले 4 साल से यहाँ मिलने आने वाले लोगों की कहानियां सुनती हूँ और दुखी हो जाती हूँ। मेरा भी एक बेटा है, वो गांव में खेती करता था। हमारे पास 2 एकड़ की जमीन है, फिर जमीन को लेकर झगड़े शुरू हो गए। और तुम्हें पता है किसके साथ झगड़ा हुआ? कोई और नहीं, अपने ही चचेरे भाई के साथ। रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया, एक दिन गुस्से में आकर मार दिया। वो जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर उठा ही नहीं। फिर क्या था, पुलिस धर कर ले गई। अजय तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तुम्हारा पति है क्या? अब हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। ओ, तो प्यार का मामला है। हाँ। नंबर 17 आ गया। तेरा नंबर आ गया, जा 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 जा। जाती हूँ। हाँ। मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ आती रहोगी? हाँ? तो इससे सिर्फ मुझे तकलीफ ही मिलेगी। अज्जू, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो अज्जू। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। अज्जू अज्जू मेरी बात सुनो। अज्जू अज्जू अज्जू, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर मेरी बात सुनो। मैं यहाँ रोज आऊंगी, तब तक आऊंगी जब तक मेरी जान ना चली जाए। I love you अज्जू, I love you, I love you अज्जू, I love you। क्यों भाई, पहले जब मैं तुम्हारे प्यार के बारे में पूछ रहा था तब तो बड़े नाराज हो रहे थे, कह रहे थे जिंदगी बर्बाद हो गई, तो अब ये क्या है? उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे उस पर बहुत दया आती है। अरे रे 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 रे, अरे कैसा खेल रहे हो भाई? क्या बात है, आज जल्दी आ गई तू। ओ तूने टोकन पहले ही ले लिया। एक बात बोलूं क्या? पर मेरी बात का बुरा मत मानना।
पिछले 2 महीने से देख रही हूँ। कोई पत्थर दिल इंसान भी तेरी तकलीफ देखकर तुझसे आकर बात कर लेगा, पर मुझे लगता है वो तुझसे प्यार ही नहीं करता। प्लीज आंटी, मेरे अज्जू के बारे में ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानती उसके बारे में। मुझे पता है वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। इसका मतलब कोई खास कारण होगा उसके इस बर्ताव के पीछे, तो तू पहले उस कारण का पता लगा। एक लड़की का जीवन एक फूल के जैसा होता है, जल्दी मुरझा जाता है बेटी। मेरी बात मान ले और अपनी जिंदगी इस तरह खराब मत कर। मेरा प्यार ही मेरी जिंदगी है, क्या होता ये जो हुआ वो शादी के बाद होता तो। भगवान, क्या आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में? इतनी अच्छी लड़की है, इसे निराश मत करना बप्पा। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये अंदर कैसे आई? वो मुझे नहीं पता सर। वहां एंट्री गेट नंबर 2 पर हिडन कैमरास लगा दो, किसी को पता ना चले। सर, इन सबके कपड़े उतार कर सबकी धुलाई करो। ओके सर। सिर्फ उसे छोड़ दो। ओके सर। ए भाई, भाई सुन, तुझे भी पीटा क्या? सिर्फ दिल तोड़ा। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? देखो, तुम्हारे बारे में वो लोग कुछ जानते नहीं है, वैसे भी जेलर अच्छा आदमी है। वो अच्छा आदमी होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। हम जेल में बंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर दिल। अब बोली ना पते की बात। वो लड़की हर रोज तुमसे यहाँ मिलने के लिए आती है, पर कभी तुमने उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। हाँ, उसके जाने के बाद गुलाब जरूर उठाता है। कितना प्यार करता है उसको। अगर वो किसी की तरफ मुस्कुरा कर देख ले तो हजारों लड़के जान न्योछावर कर दे है? और तुम्हें उसके प्यार का जरा भी ख्याल नहीं है। भगवान जाने वो खाना भी खाती होगी या नहीं, सोती भी होगी या नहीं है? उसके बारे में सोचो। सूरज चाहे उगे या ना उगे, पर ये लड़की अपने हाथों में गुलाब पकड़कर हर रोज जेल के गेट पर आ जाती है। इतनी अच्छी लड़की तुझे कभी नहीं मिल सकती। मुझे उसे दुख पहुंचाकर कोई खुशी नहीं मिलती, पर उसके मन में कोई उम्मीद जगाकर मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उससे अलग रहना तो दूर, मैं तो उसकी यादों से भी दूर नहीं रह सकता हूँ। मेरी बात मान भाई, तू जिस लड़की को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उस लड़की के लिए भी तो पूरी दुनिया तू ही है ना। कल सुबह जब वो तुझसे मिलने आएगी ना, तो उसके लिए स्पेशल एंट्री का बंदोबस्त करता हूँ, जहाँ तुम लोग आराम से बैठकर बात कर सको। पता नहीं क्यों मुझे उस पर बहुत दया आती है। सॉरी, मैंने बहुत सताया तुझे। मुझे अब कल सुबह का इंतजार होगा, जल्दी से आ जाना अम्मू। अजय, शंकर का बेटा। Thank you.
मैं यहां तेरा हालचाल पूछने नहीं आया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? वो मेरी इकलौती बेटी है, अगर मेरी जगह तुम होते तो बताओ तुम क्या करते? बोलो, तुम्हारी बेटी जेल में बंद आदमी से प्यार करना चाहती, उससे शादी करना चाहती, तो क्या तुम उसकी बात मान लेते? बताओ, बताओ मुझे, बताओ। हाथ पीछे रखिए। पिता ने तुझे जन्म दिया और तू ही उसकी मौत का कारण बना, तू ही। तूने अपने घर को शमशान बना दिया, अब मेरे घर को शमशान बनाने चला है।